दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें इस बेल बटन को, जिससे आपको हमारी सभी जानकारी सही समय पर सबसे पहले मिल सके। जय माता दी। दोस्तों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे दिवाली पर किए जाने वाले कुछ बहुत ही खास और विशेष प्रयोग के बारे में, जिनको करने से सुख समृद्धि आपकी ओर आकर्षित होती ही है। दिवाली एक सिद्ध रात्रि मानी जाती है, यानी कि इस रात पर जो भी चीज़ें आप करते हैं, भगवान से जुड़ी हुई मंत्र साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसमें निश्चित ही आपको लाभ मिलता है। आपने खुद भी देखा होगा कि दिवाली पर सबसे ज़्यादा तंत्र प्रयोग इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि यह सिद्ध रात्रि मानी जाती है और इस रात पर होने वाले प्रयोग कभी भी खाली नहीं जाते हैं। काफ़ी लोग हमसे वशीकरण के बारे में पूछते हैं, दुश्मन के बारे में पूछते हैं कि दुश्मन उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, और ऐसी स्थिति जीवन में सभी के साथ होती है क्योंकि दुश्मन होना बिल्कुल स्वाभाविक है। और जब भी आपके दुश्मन हो जाते हैं तो हमेशा ही आपके लिए एक नई चुनौती, नई परेशानी खड़ी कर रखते हैं। काफ़ी लोगों के तो इतने ज़्यादा दुश्मन हो जाते हैं कि वह जहाँ भी जाते हैं वहीं पर उन्हें सभी लोग दुश्मनी जैसा स्वभाव करने लगते हैं। तो ऐसी ही स्थिति में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि जब भी आपके साथ ऐसा होता है तो आप खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं, आपका ध्यान काम में नहीं लगता है और ना ही आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाते हैं क्योंकि आप हमेशा उस दुश्मन के बारे में ही सोचते हुए रह जाते हैं। तो इन सभी स्थिति के लिए दोस्तों, अगर आप किसी को वशीकरण भी करना चाहते हैं तो दिवाली की रात पर एक वशीकरण काजल बनाना बहुत ही जरूरी है। आप दिवाली पर दिवाली की रात का जरूर ही लाभ उठाएं क्योंकि दिवाली पर जो भी काजल आप बनाते हैं वह वशीकरण की तरह काम करता है। आपको दुश्मनों से तो बचाता ही है, बल्कि जो लोग आपको अच्छा नहीं समझते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, वह सब भी आपकी ओर ही आकर्षित होने लगते हैं। तो दोस्तों इसको पूरा अच्छी तरह समझें तभी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। आपको दिवाली की रात पर एक ऐसा विशेष और खास काजल बनाना है जो वशीकरण की तरह आपके जीवन में काम करता है। सबसे पहले आपको तेल का दीपक जलाना है। इसके लिए आप तिल का तेल ही इस्तेमाल करें, ना तो आपको सरसों का तेल लेना है ना ही चमेली का तेल लेना है, सिर्फ तिल के तेल का ही इस्तेमाल आपको करना है। आप मिट्टी के दीपक में या किसी मेटल के दीपक में भी दिया जला सकते हैं। इस दीपक में आपको तिल का तेल डालकर 8 काली मिर्च डालनी है और इसके बाद आपको चंदन ऊपर से डाल देना है। बस इसी प्रकार से आपको दिया जलाना है और इसके बाद आपको इस दीपक की लौ पर कोई भी लोहे का सामान रख देना है जिससे उसमें रात भर काजल इकट्ठा हो सके, और आप सुबह उठकर उसी सारे काजल को किसी भी डिब्बे में भरकर रख सकते हैं। बस इतना ही आपको करना है। लेकिन दोस्तों आप ध्यान रखें, जो काजल आप दिवाली पर बनाएंगे ये बहुत ही ज़्यादा खास और वशीकरण शक्ति के साथ बना हुआ होता है, और जब भी आप इस काजल का इस्तेमाल करेंगे अपनी आंखों में लगाने के लिए या फिर अपने माथे पर तिलक लगाने के लिए, तो सभी लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं, बल्कि आपके खिलाफ कोई भी व्यक्ति नहीं बोल पाता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दुश्मन परेशान करते हैं उनके लिए भी यह प्रयोग बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ पर वह काम करते हैं घर में सभी लोग उनको परेशान करते रहते हैं, तो वह जरूर इस काजल को बनाकर इसका इस्तेमाल जरूर करें। दिवाली पर बनाया हुआ काजल एक वशीकरण शक्ति के साथ बनता है, यह ऐसा वैसा नहीं होता है बल्कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली रूप से कार्य करता है। तो जरूर दोस्तों इस प्रयोग को कर अपने जीवन में लाभ उठाएं। आशा करता हूं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और आपके गुड कर्मास बढ़ सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों।